और अब बांग्लादेशी सांसद हत्याकांड से ही जुड़ी एक और बड़ी खबर। लाश के टुकड़े करने वाले कसाई की कोर्ट में पेशी हुई है। नॉर्थ 24 परगना की कोर्ट में आरोपी कसाई की पेशी हुई है। लाश के टुकड़े करने वाले कसाई का नाम जिहाद हौलदार है। जिहाद हौलदार ने लाश के टुकड़े किए थे। पूजा मेहता हमारे साथ जुड़ चुकी है फोन लाइन पर, सीधे उनका रुख करते हैं। पूजा बताइए, क्या अपडेट है? कोर्ट में पेश किया गया है उस कसाई को जिसने टुकड़े किए थे? बिल्कुल, आपको बता दें बीती रात को पश्चिम बंगाल सीआईडी ने एक अहम गिरफ्तारी की है, जिस कसाई ने इस एमपी अनवरुल अजीम के बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े किए थे उस कसाई को जो है कल रात को गिरफ्तार किया गया। उसका नाम जिहाद है और वो बांग्लादेशी नागरिक है, लेकिन पिछले कई महीनों से वो मुंबई में अवैध तरीके से रह रहा था। उसे स्पेशली हायर किया था, इस केस का जो मुख्य आरोपी है अख्तरुज़्ज़मान, और उसे उसकी बॉडी को डिसमेंबर करने के लिए और छोटे छोटे पीस में काटने के लिए जो है उसे हायर किया गया था। फिलहाल उसे बारासात कोर्ट में जो है उसे पेश किया गया है और 12 दिन की पुलिस कस्टडी में उसे भेजा गया है। ये काफी अहम होने वाला है पुलिस के लिए, क्योंकि अब तक जो है एमपी के किसी भी बॉडी पार्ट की रिकवरी नहीं हुई है। ऐसे में पुलिस का सोचना है अब जब जिहाद को अपनी कस्टडी में मिल जाएगा तो तब उसे लेकर जो है अलग अलग इलाके में रेड की जाएगी और बॉडी पार्ट्स को रिकवर करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। नॉर्थ 24 परगना की कोर्ट में आरोपी कसाई की पेशी जिसने टुकड़े किए थे बांग्लादेश के इंसांसद महोदय की।